हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डायरेक्ट टैक्स 1 पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। चैप्टर्स कितने होते हैं, सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या होता है डायरेक्ट टैक्स पेपर 1 का। दोस्तों, SYBF सेमेस्टर 3 की वीडियो की सीरीज चालू हो चुकी है। अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, टैक्सेशन 2 की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और मार्क्स स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो को आप स्टार्ट टू एंड अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या है और चैप्टर्स कितने होते हैं। तो दोस्तों, आपके पूरा वीडियो देखिए, कुछ कन्फ्यूज़न होगी तो वीडियो के एंड में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करें दोस्तों टैक्सेशन 2 के तरफ बढ़ते हम। बढ़ने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन। दोस्तों, प्रेस बेल आइकन बटन से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरी ही मिल जाएगी, ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं मॉड्यूल्स कितने होते हैं डायरेक्ट टैक्स पेपर 1 में। दोस्तों, जब मॉड्यूल की यहाँ पे बात करते हैं, मॉड्यूल्स को आप क्या कह सकते हो, चैप्टर्स भी बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो जाना कि मॉड्यूल और चैप्टर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पहला चैप्टर होगा, डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2, बेसिक्स ऑफ चार्ज एक्सक्लूजन फ्रॉम टोटल इनकम, हेड्स ऑफ इनकम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6, ए कंपटीशन ऑफ टोटल इनकम। दोस्तों, चार चैप्टर आपको पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। काफ़ी लेंदी भी नहीं है, मतलब कि इसमें इंटरेस्टिंग है, मतलब प्रैक्टिकल है तो पूरा इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा बहुत डिफिकल्टी कहीं कहीं पार्ट में हो सकती है, बट आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे प्रैक्टिकल टेक्स्ट बुक, मतलब कि आप अभी भी प्रैक्टिकल कर रहे हो तो उसको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए इजी होगा। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हो तो आपको डिफ़िकल्ट तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चैप्टर काफ़ी कम चैप्टर हैं और इसके जो सिलेबस थोड़े बहुत लेंदी है, मतलब बड़े हैं, तो आपको अच्छे से पूरा स्टडी करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, जैसे कि सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर आपका सिलेबस आता है। फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 होता है, इसमें आपको पहले सबसे पहले सेक्शन 2, मतलब सेक्शन 2 में क्या बोला गया है, असीसी कौन है, असेसमेंट ईयर किसको कहा जाता है, असेसमेंट क्या होता है, एनुअल वैल्यू बिजनेस किसको कहते हैं, कैपिटल असेट इनकम पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, प्रीवियस ईयर किसको कहा जाता है और ट्रांसफ़र किसको कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कभी कभी 5-5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 में पर्सन को क्या कहा गया है, ठीक है, कौन पर्सन हो सकता है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका रहेगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, बेसिस ऑफ चार्ज में क्या रहेगा, सेक्शन 3-9 से लेके प्रीवियस ईयर, रेसिडेंटल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, डीम इनकम, मतलब भी दोस्तों यहाँ पे आपको ये बढ़ाया जाएगा कि आप इंडिया में रहने के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे, मतलब कि आपको इंडिया का रेसिडेंस चाहिए तो आपको कितना दिन रुकना पड़ता है, कोई फॉरेनर आता है इंडिया में रुकने के लिए, मतलब कि कोई फॉरेनर पर्सन है उसको इंडिया में अपना रेसिडेंस लेना है तो इसकी क्या फॉर्मेलिटीज है, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि जो टैक्सेशन होता है काफ़ी नॉलेजेबल होता है, मतलब कि आपको बहुत नॉलेज गेन करने मिलता है, ठीक है। अच्छे से आप पढ़िए, जब आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो जब कॉलेज में जब होगा लेक्चर तो अच्छे से आप समझते रहिए, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि अभी ये तो हमारा हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि ये है एक्सक्लूजन फ्रॉम टोटल इनकम, क्या क्या एक्सक्लूजन है टोटल इनकम में। तो दोस्तों, सेक्शन 10 ये याद रखना दोस्तों, सेक्शन कभी कभी आता है ट्रू फॉल्स में, आपके मेजर कॉलम में इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन कभी भी आपको याद रखना, थोड़ा बहुत पूरा सेक्शन आपको याद नहीं करना, थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन टू एग्रीकल्चर इनकम सम रिसीव फ्रॉम HUF बाय मेंबर, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग रिसिप्ट, स्कॉलरशिप इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अलाउंस टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबल। दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या है, एक्सक्लूजन फ्रॉम टोटल इनकम ये होगा, ठीक है, मतलब ये टोटल इनकम में से क्या क्या एक्सक्लूज हो गया है, ये थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पार्ट में रहेगा, थोड़ा समझना रहेगा, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, इसमें से शायद आपको 15 मार्क के लिए प्रैक्टिकल पूछता है ये चैप्टर में से, तो ये चैप्टर में आपको बहुत सी चीज़ सीखने मिलेंगी, ठीक है। दोस्तों, सेकेंड चैप्टर बढ़ते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। जब हेड्स ऑफ इनकम की दोस्तों हम बात करते हैं तो जैसे कि दोस्तों
वेरियस हेड ऑफ इनकम में आपको सैलरी इनकम क्या है, मतलब सेक्शन 15 टू 17 में इंक्लूडिंग सेक्शन 10 रिलेटेड टू, उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल कंस्ट्रक्शन स्पेशल अलाउंस, ग्रेचुटी, पेंशन, कम्यूटेशन, लीव इनकेशमेंट, कंपनसेशन, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, पेमेंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। मतलब कि दोस्तों सैलरी में आपको ऊपर बताया गया ग्रेचुटी क्या होता है, पेंशन किसको कहा जाता है, लीव इनकेशमेंट क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, दोस्तों पूरा मतलब कि डिटेल में समझ में आएगा आपको। आपको समझ में आएगा कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, एक सैलरी कैसे आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये सब आपको सीखने मिलेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम आपको सेक्शन 22 से 27 तक पढ़ना है, इंक्लूडिंग सेक्शन 2 भी रहेगा एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये भी आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना है। हाउस प्रॉपर्टी बहुत इजी है, अच्छा खासा है, आप अच्छे से इसमें स्कोरिंग कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की जब बात करते हो तो ये भी इसमें से भी आपका 8 या 7 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें भी आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। इनका प्रॉफिट बिजनेस और प्रोफेशन किसको कहा जाता है, जैसे कि आपको लिखा है वोकेशन सेक्शन 28, 32, 36, 37, 40, 40A, 43B, ये सब इतना आपको लेंदी नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत जो स्पेसिफाइड सेक्शन होगा वही आपको पढ़ना है। बट आपको टेक्स्ट बुक है तो सब चीज़ तो मेंशन किया होगा, ठीक है, तो आपको डिटेल में नहीं जाना है। इंक्लूडिंग सेक्शन 2 का बिजनेस भी आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कैपिटल गेन भी बहुत ही ईजी है, इसमें आपको सेक्शन 45, 48, 49, 50, 54 एंड 55, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 टू 59। दोस्तों मतलब कि सेकेंड चैप्टर में हेड्स ऑफ इनकम में 5 टाइप के हेड्स होते हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोस्तों जैसे कि कभी कभी कोई पूछता है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, कोई आपको डायरेक्टली से पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ हेड्स कितने होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि सैलरी, जैसे कि मैंने अभी कहा इनकम, प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम, तो को ये आपको अच्छे से पढ़ाई करके रखना है। ये इसमें से ही पूरा चैप्टर्स आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ये सब चैप्टर ही आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। दोस्तों आगे जैसे बढ़ते हैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो यहाँ पे आपको और भी डिटेल में समझने मिलेगा, ठीक है। डिटेल मतलब कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A की बात करें दोस्तों, आपको डिडक्शन 80A रिस्ट्रिक्शन ऑन क्लेम इन चैप्टर ए, डिडक्शन 80C पेमेंट ऑफ LIC, PF एंड अदर एलिजिबिलिटी इन्वेस्टमेंट, 80CCC कंट्रीब्यूशन टू सर्टन पेंशन फंड, 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, 80DD मेंटेन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट, मतलब DD मतलब दूसरे पे डिपेंड होना, 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, 80TTA मतलब कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, 80U डिडक्शन इन द केस ऑफ टोटली ब्लाइंड ऑन फिजिकल हैंडीकैप और मेंटली रिटेड पर्सन। मतलब कि दोस्तों ये जो 80D ये सब आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये नया क्या है। दोस्तों नया कुछ भी नहीं, जब आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी आती है स्टूडेंट को, ठीक है, तो आपको उतना वो नहीं होना है, डीमोटिवेट भी नहीं होना है, नर्वस भी नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना कि क्या एक्चुअली कितना एग्जेप्शन दिया गया है सबको, ठीक है। थर्ड चैप्टर में आपको ये पढ़ना होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फोर्थ चैप्टर काफ़ी ईजी है क्योंकि आपने कंपटीशन करना है टोटल इनकम, जैसे कि आपने पूरा पढ़ा है सैलरी ये सब का पूरा आपको एक सम्स आ जाता है, पांचों हेड्स के सम आपको कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो कंपटीशन करना है टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल HUF विद रिस्पेक्ट ऑफ अबो हेड्स एंड डिडक्शन। दोस्तों की मतलब कि पूरा मतलब चैप्टर नंबर 2 और 3 में जितने भी आपने पढ़े हो आपको फोर्थ चैप्टर में पूरा क्या करना पड़ता है, कंपटीशन करना होता है। मतलब कि पूरा आपको सम सॉल्व करा हुआ होगा, आपको पूरा करना है, ठीक है, करा भी है और आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो था फोर्थ चैप्टर। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न की जब बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका वो सेम पेपर पैटर्न होता है प्रैक्टिकल का, 75 मार्क का पेपर होता है, क्वेश्चन टू बी सेट 5, ड्यूरेशन 2.5 आवर्स, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी कैरिंग 50 मार्क्स इस। दोस्तों पूरा हर क्वेश्चन 50 मार्क्स इस कैरी कर लेता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। 75 मार्क का ही पेपर आता है, 25 मार्क आपका इंटरनल वाइवा होता है, इंटरनल असेसमेंट भी हो सकता है, 20 मार्क का 5 मार्क आपका क्लास पार्टिसिपेंट में मिलता है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले आपको क्या आता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपको आता है।
तो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ए और बी में आपको ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 का आंसर करना पड़ता है, और बी में 10 रहते हैं और 7 आंसर करना पड़ता है। दोस्तों मतलब कि यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मेकअप कॉलम, फिल इन द ब्लैंक कुछ भी आ सकता है। ये बताना मुश्किल है कि कुछ मतलब कि ये बताना मुश्किल है कि मेकअप कॉलम ही है या फिल इन द ब्लैंक है, तो कुछ भी आ सकता है क्योंकि पेपर सेटर आपके कॉलेज में ही होता है। पहले मुंबई यूनिवर्सिटी करती थी, अब कॉलेज में ही पेपर सेट होता है, तो हर कॉलेज का अपना अपना रूल्स एंड कुछ होगा नॉर्म्स, तो वो बताना मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में कुछ भी नहीं है, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क के, सब क्या आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क भी डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट में। कोई 15 मार्क का क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है, फिट नहीं हो रहा है, तो उसको 7 और 8 मार्क करके आपको पूछा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। ये तो था क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 का। अब आगे सिनेरियो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थ्योरी क्वेश्चन जैसे कि आता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि पर्सन की डेफिनेशन पूछ लिया, हेड्स ऑफ इनकम कितने होते हैं वो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको 8 और 7 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो अटेम्प्ट करिए, या फिर शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करिए। 3 शॉर्ट नोट आएगा 5 में से, तो 5 मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो थ्योरी क्वेश्चन 8 और 7 मार्क लिखा दिए, 1 मिनट, 8 और 7 मार्क लिखा दो, ठीक है, दोनों आपको इजी लग रहा है तो आपको ये दोनों अटेम्प्ट करिए, या फिर आपको 8 मार्क का इजी लग रहा है, 7 मार्क का इजी नहीं लग रहा तो आप इसको थोड़ा होल्ड करिए। ठीक है, अब क्या करिए, शॉर्ट नोट पे आइए, शॉर्ट नोट पे देखिए तीनों इजी लग रहा है तो शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करिए। ठीक है, इसको क्या करिए, भूल जाइए पूरा, क्योंकि करना तो दोनों है। ठीक है, करना तो दोनों दोनों में से करना, मतलब ये करिए या फिर ये करिए। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैं कहा था कि आपको जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा 15 मार्क का जो भी होता है डिवाइड होता है 7, 8 और 10, 5 मार्क में भी डिवाइड हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 15 मार्क का जो क्वेश्चन होता है नहीं बैठ पाता, मतलब 15 मार्क के क्वेश्चन के लिए थोड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए क्वेश्चन, तो उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होने के कारण क्या होता है दोस्तों, उसको 7 और 8 मार्क में पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही था, आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो के एंड में आप ज़रूर पूछिए, जैसे कि मैंने आपको कहा। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं किया तो। हाँ दोस्तों, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।